आज संडे क्विकी तो नहीं है, आज मंडे मॉर्निंग क्विकी है. देखो क्विकीज आर क्विकीज एंड यू शुड अप्रिशिएट व्हेन देम हैपन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड यार. देखो लिवरपूल के बारे में हम थोड़ा बात कर ही लेंगे. ग्रेट विन फॉर लिवरपूल 3-0 अगेंस्ट एस्टन विला. बिफोर वी टॉक टू मच अबाउट दिस, निधि सबोचलाई के बारे में तो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बट जस्ट योर थॉट्स अबाउट जो गोमेज एंड कर्टिस जोन्स. निधि, जब भी जो गोमेज कर्टिस जोन्स को चांस मिलता है, मैं हाथ ऊपर करता हूँ, मैं नर्वस होता हूँ, बट दे हाँ वर वेरी गुड. भाई, इफ जो गोमेज मतलब कीप्स प्रूविंग मी रॉन्ग, देन मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आई हैव बीन वन ऑफ हिज बिगेस्ट क्रिटिक्स. क्रिटिक्स मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी, बट ओवरऑल उसके इंजरी के बाद से मैंने यही बोला है कि जो गोमेज सेम प्लेयर नहीं रहा है, बट इफ ही कैन प्ले लाइक दिस, ऐसे इंप्रूव करेगा, तब तो मैं बहुत खुश हूँ यार. कोई भी खुश होगा, कोई भी लिवरपूल फैन खुश होगा. यस्टरडे एक एक वो मिस्टेक को छोड़ के, जहां पे उसने बॉल छोड़ दिया था, जहां उसको जल्दी पास कर देना चाहिए था, वो छोड़ के ही वाज इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, ही वाज ब्रिलियंट. वो निट पिकिंग हो रहा है. मेरे को याद है जब वो हाँ गिर गया था और वो चांस क्रिएट हो गया था एस्टन विला का. बट ग्रेट विन फॉर लिवरपूल, 10 पॉइंट आउट ऑफ 12. वी हैड अवे ट्रिप्स टू चेल्सी एंड न्यूकासल, वेरी वेरी हैप्पी. चेल्सी पे जाते हैं निधि, चेल्सी के ऑल्दो बारे में. ऑल्दो एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा बिफोर वी मूव टू चेल्सी. मेरे को लगा नहीं था कि ये मैच हमारे लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. मेरे को लगा विला ना थोड़ा कंफ्यूज, उनाई एमरी गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग. हैविंग सेड सो, भाई नथिंग यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम अस. क्लॉप अगेन क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, विदाउट अ डीएम बिग कॉल कर्टिस जोन्स को, वो नंबर 6 पोजीशन पे कर्टिस और सबोचलाई इंटरचेंज कर रहे थे. वो पोजीशन पे उसने खिलाया, अपने फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स अवेलेबल नहीं थे. अनलाइक द पॉपुलर बिलीफ, इट सीम्स लाइक क्लॉप नोज व्हाट ही इज डूइंग. उसको पता है कि कहाँ पे किसको खिलाना है, कैसे यूज करना है. एटलीस्ट ये दो मैचेस के बेसिस पे तो हम बोल सकते हैं कि कुछ तो प्लान है. And if you add Thiago, Bajcetic, Gravenberch, Konate, Van Dijk to this team, so ये team improve करने ही वाली है. So there's a lot of scope for improvement. When we speak of lot of scope for improvement, I think Chelsea के बारे में भी हम यही बोल सकते हैं. भाई साहब, against Nottingham Forest वो हार गए, एंड अंकित की स्ट्रीम भी देख रहा था, बाबा की स्ट्रीम भी देख रहा था. वो लोग को डिसअपॉइंटमेंट ये नहीं है कि वो हारे, बट द वे दे प्लेड. निधि, आई थिंक वी सॉ दिस गेम टुगेदर. निधि, फॉरेस्ट 1-0, इट वॉज अ बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी फुटबॉल क्लब. निधि, और मैं सच बोलूं, मेरे को ऐसा कुछ कुछ दिख नहीं रहा है टू से दैट दिस विल टर्न अराउंड क्विकली, बिकॉज कोई कोहेसिवनेस नहीं है फिलहाल. मैं सच सच बोल रहा हूँ, एक लाइफलेस क्लब लग रहा है मेरे को, विच इज रन बाय अ क्लूलेस पर्सन, जो प्लेयर्स थोप रहा है मैनेजर पे, और मैनेजर को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं. मेरे को ऐसे फ्रॉम द आउटसाइड लग रहा है यार. देख 100% वो तेरा असेसमेंट जो भी है उससे मैं 100% अग्री करता हूँ, बट मैं एक चीज ये भी बोलूंगा ब्रो कि एटलीस्ट फॉरेस्ट वाले रिजल्ट पे ना पोचेटिनो गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग. मतलब लीवाई कॉलविन को आउट ऑफ पोजिशन, और जिस तरह से उसने टीम सेटअप की थी, चिलवेल को वो ऑलमोस्ट एज अ मिडफील्डर यूज कर रहा था. सो आई हैविंग एंड वो सब चीजें यार बहुत बड़ी चीज होती है, मैटर करती है, क्योंकि आप आपका जब पूरा स्क्वाड एक तरह से न्यू, मतलब और बात यह है ना कि अगर मतलब इसमें से अगर मैं अपना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव हटा लूं और अगर मैं एक चेल्सी फैन के जैसे सोचूं, बात यह है यार कि इस लीग में इफ यू हैव 6-7 बैड गेम्स, यू आर आउट ऑफ, यू आर बिहाइंड द 8 बॉल कंप्लीटली, राइट. आज हम लोग जो थोड़ा खुश हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि 4 मैच हो गए, 2 टफ अवे ट्रिप्स हो गए, 12 में से 10 पॉइंट है. क्यों, 4 मैच में कुछ दुनिया नहीं बदल जाती है, बट 4 मैच में आपकी दुनिया बुरे के लिए जरूर बदल सकती है. सो चेल्सी यार वही, आई अग्री विथ यू, इट टॉड बोली का पता नहीं क्या व्यू है ट्रांसफर मार्केट में, इट इज श्योर वेरी एक्साइटिंग एंड ऑल, बट फील्ड पे तो उतना फिलहाल तक तो दिख नहीं रहा. सही बात है, और वो ऑलरेडी 6 पॉइंट बिहाइंड है फ्रॉम लिवरपूल और 8 पॉइंट बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी. ऑलरेडी चेल्सी के लिए टफ टाइम्स है. स्पीकिंग ऑफ एक्साइटमेंट, कल रात को बहुत ही एक्साइटिंग गेम था, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. यार ऐसे लगा था गर्नाचो हैज वन इट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड लेट ऑन, फिर उसके बाद डेक्लिन राइस वन इट फॉर आर्सेनल, एंड देन गैब्रियल जेसस आइसिंग ऑन द केक. देखो अगर आपने मैच नहीं देखा, आप 3-1 देखोगे तो आपको लगेगा अरे मतलब आर्सेनल मस्ट हैव बीन रिलेटिवली कंफर्टेबल, बट नहीं भाई,
इट वॉज अ वेरी वेरी गुड गेम एज अ न्यूट्रल, मजा आया देखने में. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आसर कॉन्ग्रेचुलेशन, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लगे पड़े हुए हैं. लिसांड्रो मार्टिनेस की इंजरी पता नहीं कितनी लंबी है. दे एंडेड द गेम, डालो भी बाहर, सॉरी लिंडेलॉफ भी बाहर चलेगा. दे एंडेड द गेम विद जॉनी एवेंस एंड हैरी मैग्वायर सेंटर बैक्स. वी एंडेड द न्यूकासल गेम विद जो गोमेज एंड क्वांसा सेंटर बैक्स. बट आप कह सकते हो यंग है, बट इधर हैरी मैग्वायर जो प्लेयर्स जो फैंस चाहते थे छोड़ के जाए, और जॉनी एवेंस को जो रीसाइन किया भाई, दैट इज हाउ बैड इट बिकेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एट द एंड. भाई जॉनी एवेंस इज लाइक मतलब थ्रोबैक ब्रो, थ्रोबैक एंड हाउ इट्स लाइक स्पर्टल को तू देख रहा है एक मैच में हमारे, राइट? नॉट नॉट लाइक जॉनी एवेंस, मैं एबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब उस टाइप का. मतलब जॉनी एवेंस यार बहुत यार देख, पता है मैच कैसा था ये आर्सेनल और यूनाइटेड का? तूने रामायण का वो सीन देखा है, जो एक ऐसे राम जी तीर मारते हैं, उधर से रावण तीर मारता है, दोनों ऐसे टकराते हैं, ठीक है? वो ये पूरा मैच ऐसा चल रहा था कि, और समटाइम्स इन अ फनी वे कि कोई मिस्टेक कर रहा है, फिर सेम सिमिलर मिस्टेक कोई और कर रहा है. सो मैच वॉज जैसे तूने बोला काफी क्लोज था. ओनाना बॉक्स ऑफिस है ब्रो, ही इज लाइक he can produce a world class save in 1 minute and do something absolutely disastrous in the next second. wo goalkeeper's ka Darwin Núñez hai bro, box office. so but all in all Arsenal will be very happy yaar, great result. ha VAR ne phir se matlab again United fans will feel hard done by kyunki unko penalty nahi mila, वो जो हॉयलैंड के ऊपर जो टैकल था. आर्सेनल फैंस बोलेंगे कि पहले एक रेड कार्ड होना चाहिए था. वीएआर कंटिन्यूज टू मेक बिग नेम्स, मतलब वो तो साला कभी खत्म ही नहीं होगा ये लीग में मुझे लगता है. बट बढ़िया गेम था, अच्छा था, इट वाज अ इंटरेस्टिंग गेम. या गुड रिजल्ट फॉर टॉटनम एज वेल, दे कीप मार्चिंग ऑन, वेस्ट हैम कीप मार्चिंग ऑन एज वेल, ज्यादा उन पे ड्वेल्व नहीं करेंगे. अपना शेफील्ड यूनाइटेड एंड एवर्टन, Everton got the first point on the board as well. Nidhi और मैं यही बात कर रहे थे कि जितना भी बुरा Everton खेले साला, ऐसे लगता है उनसे तीन टीम और बुरी होने वाली है. Luton, Sheffield and I think one more team Burnley could be the ones who get relegated. Everton वापस बच गए. Let's move on Nidhi to La Liga. Nidhi Barcelona के बारे में कुछ बताएगा, क्या हुआ, कैसे हुआ? यार अच्छा मैच था, मतलब लेट ड्रामा. मतलब देख क्या होता है ना कि जब कोई टीम ऐसे लास्ट मिनट जीतती है ना, तो उनके फैंस के लिए वो मैच मेमोरेबल हो ही जाता है. एंड सेम वाज द केस विद बार्सिलोना, लेवेंडोव्स्की लास्ट मिनट विनर मारा. तो बार्सिलोना ने लीड लिया, लार्जली कंफर्टेबल थे, ठीक है. जूल्स कुंडे का हेडर, बढ़िया मैच था. तूने बाय द वे ओसासुना का जो प्लेयर था, क्या उसका नाम था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसका तेरे को शॉट देखना चाहिए था. इट वॉज एन एज ऑफ द बॉक्स से उसने कर्लिंग ऐसा ऊपर मारा है, एंड अनस्टॉपेबल शॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल गोल. फिर लास्ट मिनट पेनल्टी, लेवेंडोव्स्की स्कोर्स. आई थिंक बार्सिलोना फैंस के लिए वही है ना भाई कि लेवेंडोव्स्की जैसे भी मारे, अभी अभी उसने एक दिन इसके कुछ मैच पहले भी गोल मारा, आज भी गोल मारा. देख स्ट्राइकर तो वो क्लास है. ओवरऑल बार्सिलोना कंफर्टेबल था, लेकिन वही है लास्ट मिनट वो थोड़ा सा ड्रामा, मेरे को ऐसा लगता है ना थोड़ा सा बारसा अपने लिए ड्रामा ऐड कर लेता है. इसके पहले भी जो मैच था उसमें भी मतलब कंफर्टेबल थे, फिर लीड कंसीड कर दिया, फिर फाइनली एंड में लास्ट मिनट गोल मार के जीते. इस बार भी यही किया, थोड़ा खुद के लिए कॉम्प्लिकेट करे. बट जाओ फिलिक्स और कैंसेलो के डेब्यूज हो गए. अच्छा दोनों डेब्यू किए, बोथ ऑफ देम केम ऑन. सो मतलब टू एक्साइटिंग प्लेयर्स. मेरे को तो लगता है कि कैंसेलो, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी बोला था, कैंसेलो मेरे को ऐसा लगता है ना, कैंसेलो सॉरी फिलिक्स, आई थिंक दिस इज द लास्ट, नॉट मे बी नॉट लास्ट बट अ बिग चांस फॉर हिम, फॉर जॉ फिलिक्स, क्योंकि उसका बहुत दिन से ऐसा सुना है ना, बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बट उतना कभी ट्रांसलेट नहीं हुआ ऑन द फील्ड. सो ये सिमियोने के अंडर जो फुटबॉल वो खेलता था, लोग बोलते हैं सूट नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, बट वो आप कब तक बोलोगे? एट सम पॉइंट इट हैज टू ट्रांसलेट ना इनटू इनटू रिजल्ट्स. सो आई पर्सनली थिंक फिलिक्स के लिए बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है. या आई एग्री फॉर कैंसेलो एज वेल, बिकॉज़ दोनों ऑन लोन है.
बार्सा हैज स्पेंड द लीस्ट मनी आई थिंक दिस सीजन इन ला लीगा. स्पीकिंग ऑफ स्पेंडिंग अ बिट ऑफ मनी, रियल मैड्रिड स्पेंट अ बिट ऑफ मनी ऑन जूड बेलिंगम, एंड जूड बेलिंगम भाई साहब मतलब वापस लेट विनर अगेंस्ट हताफे. Hetafe scored early on, then Joselu equalized, and then Jude Bellingham in stoppage time. Again, you know, like being, you know, just such a smart footballer. Jo shot liya Madrid ke player ne, it was parried by the goalkeeper. Yeah. First player, kaun tha on the spot? Jude Bellingham, right place, right time, and then you know, like just. स्प्लिट सेकंड में सब कुछ हुआ और दो सेकंड के अंदर सब मैड्रिड प्लेयर्स उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो वापस अपना आइकॉनिक सेलिब्रेशन कर रहा है. एवरी पासिंग वीक जूड बेलिंगम अपना स्टॉक बढ़ा रहा है, एंड आई थिंक द फ्यूचर लिवरपूल कैप्टन इज डूइंग रियली वेल. नहीं, जूड बेलिंगम द फ्यूचर लिवरपूल कैप्टन. नहीं यार, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक with all these injuries, Jude Bellingham has just raised his game here, and these are priceless points. And वो देखो, Real Madrid fans को win over करना मुश्किल होता है नहीं थी, उससे already कर दिया. देख क्या है ना bro, कि मान ले कि तूने एक stock खरीदा, जो जैसे कि मान ले MRF का stock है, मतलब आज नहीं, आज से 10 साल पहले. अब कोई बोले यार 30,000 रुपए का stock है, बहुत महंगा है, but मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 30 लाख की saving है, मैं ये यही स्टॉक खरीदूंगा. भले लोग बोल रहे कि 30 लाख इतना महंगा स्टॉक है तू डाल रहे, बट तेरे को पता है कि ये स्टॉक आज देख ले वो स्टॉक 80,000 का, राइट? सो उस टाइप का है कि उसमें डाल दिया इन्वेस्टमेंट, महंगा है, हाइप है, रिस्क है, जो है, बट इट हैज पेड ऑफ एंड हाउ. मैंने तो पहले भी बोला है, फ्यूचर रियल मैड्रिड, फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन, राइट? जूड बेलिंगम इज वर्थ एवरी पेनी. इसलिए मैं आज भी लोग बोलते हैं कि डू यू रिग्रेट कि लिवरपूल गई ही नहीं उसके लिए, 100% इट इज ही इज ब्रिलियंट भाई, इज ब्रिलियंट. आज 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 बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग 3-0 एस्टन विला के अगेंस्ट जीते, सबोचला अच्छा खेला, मैकलिस्टर अच्छा खेला, सो आज इतना बुरा नहीं लग रहा. और एंड कंपेयर करना तो कभी अच्छा होता ही नहीं है लाइफ में, फुटबॉल में भी स्पेशली. सो जूड अपने तरफ बहुत सही है, बहुत खुश है, एंड आई एम हैप्पी टू सी जूड डू वेल. बट हाँ, जो निधि बोल रहे हैं कि आगे जाके हमने जो चिंदीगिरी किया, इट माइट कम बैक टू हॉन्ट अस, बिकॉज रियल मैड्रिड तो हमेशा कम बैक टू हॉन्ट अस. मतलब इट इज लाइक सो जा बेटा, नहीं तो कब्बर आ जाएगा, ये वो वाला ही चीज है हमारे साथ. कंग्रेचुलेशंस टू बार्सा एंड रियल मैड्रिड सपोर्टर्स. वन लास्ट क्विक वर्ड ऑन बायर्न म्यूनिख में देना चाहता हूँ. ग्लैडबाक के अगेंस्ट गेम था, फर्स्ट हाफ में बायर्न म्यूनिख वर नॉट गुड. Bayern Munich clear transfer window ended in a disaster. They sold Gravenberch, they sold Pavard. वो लोग चालोवा साइन नहीं कर पाया, भेला कोचप साइन नहीं कर पाया, and of course पालिनिया साइन नहीं कर पाया. So last day पे everything that could have gone wrong for them did go wrong. But second half performance from them, Leroy Sané and Tel ने goals मारे, and उधर तो पता ही है, मतलब if they play half decent they will win the league. Dortmund again drop points, 2-2 हुआ उनका. Dortmund का तो क्या ही बोले. मैं सिर्फ ये बोलूंगा, मेरे को लग रहा है कि बुंडेसलीगा में अगर एक टीम चैलेंज कर सकती है वो है Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen is the team to watch, guys. Again 100% record, they are playing some serious football. And ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे को जाबी अलोंजो उधर भाई, Leverkusen is playing brilliant football, भाई, brilliant football. पालिनिया के साथ तो बहुत गलत किया यार फुलम ने, मतलब दैट वाज लाइक रियली वर्ड. वो बंदे ने शायद 2 राउंड मेडिकल कर लिया था और उसने फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ ले लिए थे बायन शर्ट में, एंड देन उसका मूव ब्रेकडाउन हो गया. बायन के लिए इट कैन गेट अ लिटिल स्टिकी यार, बिकॉज़ टुकल के लिए ये सीजन फ्री हिट नहीं है. दिस सीजन इज नॉट अ फ्री हिट फॉर टुकल. तेरे को पता है,
तेरे को पता है नीति, जब भी हम लोग ग्रेवनबर्च की बात कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि बायन पे डिपेंड करता है, फुलम पे डिपेंड करता है और लिवरपूल पे डिपेंड करता है। हम यही सोच रहे थे कि बायन पे डिपेंड करेगा क्या वो पहले रिप्लेसमेंट साइन कर ले कि नहीं, देन हमारे पे डिपेंड करेगा वेदर वी साइन ग्रेवनबर्च। पता चला इस सब में फुलम वॉज द वन विच सेज कि भाई हम रिप्लेसमेंट नहीं साइन कर। पुलिंग ऑल द इसलिए स्पेन पे चेक डिकोरे के बारे में इफ यू रिमेम्बर मैं बोल रहा था कि पैलेस बोलेगे भाई हमें तो साइन करने थे रिप्लेसमेंट, हाँ फुलम ने, एंड एग्जैक्टली फुलम अपनी जगह एकदम सही है। फुलम हाँ बोले कि हम एग्जैक्टली हॉइबियर नहीं साइन कर पाए, मैकटोमिनी नहीं साइन कर पाए, तो हम नहीं जाने दे। सिंपल इज दैट। सो आई थिंक उनके उनके सिचुएशन में फुलम घुस कर। बट हाँ, सो गाइस यही था हमारा मंडे मॉर्निंग क्विकी। बहुत कुछ कवर किया, बहुत पोजिशंस, बहुत टेबल्स, बहुत सब कुछ हमने कवर कर लिया ये मंडे मॉर्निंग। तो आप बताइए आपको सबसे मजेदार कौन सा पोजीशन, सॉरी टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन लगा इन दिस वीडियो मजेदार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू मैनेस इन द मॉम। निधि इज गोइंग टू बी रीचिंग होम व्हेन? निधि पब्लिक पूछ, लाइव स्ट्रीम्स कब करेंगे हम लोग? कल कल सुबह आई विल बी बैक टू द बेस। तो कल या परसों से लाइव स्ट्रीम्स शुरू हो जाएंगे ऑन मैनेस इन द मॉम। गाइस मिलते रहते हैं सून, इंटरनेशनल ब्रेक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कंटेंट हम बनाते रहेंगे। चीयर्स एंड अप द क्विकी रेड्स। रेड्स।